Hi students, welcome to Byju's Exam Prep. So it's me, Nilufar Kareem, once again. और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक की कि प्रिपरेशन दोबारा से कैसे स्टार्ट करें. बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई, बहुत सारे बच्चों ने अपने एक्सप्रेशंस मेरे साथ शेयर करे और उसी एक टॉपिक पर मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ी सी बात की जा सकती है, तो मैं इसलिए आज सबके साथ यहाँ फिर से दोबारा जुड़ रही हूँ. बट उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल को लाइक करते हैं, अगर आप मुझे लाइक करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. क्लासेस के लिए आप इस लोगों को स्कैन करके बायजूस एग्जाम प्रेप की क्लासेस फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं. राइट, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज़ अचीवर्स बाई डिफ़ॉल्ट. आप खुद को वहाँ पर भी जोड़ सकते हैं. तो आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पर समझेंगे कि प्रिपरेशन रीस्टार्ट कैसे की जाए. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है. जो मेन मुझे समझ में आया, मुझसे बहुत सारे बच्चों ने जो शेयर करा, वो ये कि डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चे रीमोटिवेटेड नहीं फील कर रहे. एग्ज़ाम दे दिया है, सब कुछ हुआ है, ठीक है, बट अब दोबारा से कैसे पढ़ें. बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि वो शायद अब ना कर पाए या शायद उनसे नहीं होगा. तो ओवरऑल दो ही कंडीशन है, कुछ लोग रीमोटिवेटेड नहीं हो रहे हैं और कुछ लोग डीमोटिवेटेड कंडीशन में ही चल रहे हैं, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं. देखिए, दोनों ही कंडीशन में मुझे ये समझ में आता है कि अगर एक ग्लास है और उस ग्लास को, ये बॉटल है, मान लीजिए ये बॉटल है, ठीक है, ये इस टाइम पूरी पानी से भरी हुई है, तो अगर मैं चाहूँ भी तो इसमें दोबारा पानी नहीं डाल सकती, वो ओवरफ्लो कर जाएगा, गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. हाँ, पर अगर मैं इसे आधा खाली कर दूँ या पूरा खाली कर दूँ तो थोड़ी जगह बन सकती है पानी डालने के लिए. सेम हम ह्यूमन बींग्स के साथ होता है, जब हम फिल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, सैचुरेटेड होते हैं, तो हम कितना भी एंथुजियास्टिक बन जाएं, कितनी भी मेहनत कर लें, हम ले ही नहीं पाते, हम तैयार ही नहीं होते, हमें लगता ही नहीं कि हम रेडी हैं. पर जब हम एम्प्टी हो जाते हैं तो डेफिनेटली वी फील लाइक एनीथिंग, अभी हमसे 100 काम करा लो. तो ये एम्प्टी होने का तरीका क्या आता है? फिर तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक ये आ गया कि एम्प्टी कैसे होते हैं. एम्प्टी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, दो तरीके से समझाऊंगी. पहला, कि आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आपका शायद अच्छा नहीं गया, तो आपको लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी नहीं हुआ, ख़राब ही गया है, तो मैं दोबारा कैसे करूं. और जब आप दोबारा पढ़ने बैठते हो तो फीलिंग आती है, यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे दिख रहा है, ये तो मुझे याद है, अब इसी को दोबारा क्या करूँ. तो उस पहली सिचुएशन के लिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपने प्रिपरेशन की और आपका पेपर अच्छा नहीं गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी थी. आप मान सकते हैं, बीइंग ऑनेस्ट, या फिर आप खुद से झूठ बोल सकते हैं, पर कमी तो थी. शायद आपने रिवीजन नहीं करा, शायद आपने पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं करे, शायद आपने प्रैक्टिस नहीं करी, शायद आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, उस टाइम आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, पर प्रॉब्लम तो थी, इसलिए आपका पेपर अच्छा नहीं गया. अब इस ऑप्शन पर आकर आपके पास दो ऑप्शन खुलते हैं. पहला, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बेनिफिटेड एंड पे हैं. कैसे? आप एक बार 6 महीने दे चुके हैं, सब कुछ लगभग आपने सब कुछ पढ़ा है, तो अब आपको उतनी ही स्पीड से उतनी ही डबल मेहनत नहीं करनी होगी, थोड़ी कम करनी होगी. सिर्फ जहां जहां कमी रह गई थी आपको सिर्फ उतना हिस्सा अब दोबारा करना होगा. राइट, जो समझ में नहीं आया, जो छूट गया था, जो हो नहीं पाया, जो वीक था पर आप पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो आप उसको ठीक करते हुए आगे अपनी साइकिल चला सकते हैं. तो आपको खुद को ये समझाना होगा कि अगर आप, मान लीजिए, साइकिल चढ़ाते हैं, आप मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं, आप किसी ऑटो में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, और बीच में कोई रुकावट आ जाए, तो आपका ऑटो वाला, आपका गाड़ी वाला, आपका ट्रेन वाला, आपका प्लेन वाला वहाँ नहीं रुकता, वो रास्ता निकालेगा और चल देता है. ट्रैफिक में यही करते हो ना, जब ट्रैफिक में फंस जाते हो, ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिक में उतर के खड़े हो जाते कि यार अब तो मैं फंस गया, बताओ इतनी दूर से आया था, इतना चला, इतना ड्रेसिंग करी, सब कुछ करा, इतनी गर्मी में बाहर निकला और अब मैं नहीं जाऊंगा. जाते हो,
जाए भीड़ में 2 घंटा रहना पड़ा, खड़े रहना पड़े आप लोगों को, सफर करते हो पर फिर भी जाते हो जहां जाना है। यही सेम एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। तो आपने कुछ चीजें करी पर आपने शायद गूगल मैप नहीं देखा, आपने रास्ता सही से नहीं नाका, आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं करा, वरना आप टाइम पर पहुंच जाते अपनी मंजिल पे। तो आपको वो गलती ठीक करनी है, आपको वहां रुकना नहीं है, राइट। अच्छा दूसरी बात, अब मान लीजिए कि ये वो बच्चा है जिसने सिर्फ 6 महीने तैयारी ही की, अभी पेपर नहीं दिया, सिर्फ 6 महीने तैयारी की है। अब 6 महीने में भी मान लो लास्ट के 2 महीने में कोर्स एनरोल करा, लास्ट के 1 महीने में कोर्स एनरोल करा, और बाकी सबकी कहानी सुन के, क्योंकि वो नया नया है तो उसकी तैयारी पूरी नहीं है, उसको वैसे ही डर लग रहा है, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, 1 महीना हो गया पढ़ते हुए फिर भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है ना। तो भाई ऐसी बात है कि जब आप छोटे होते हैं और साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो क्या आप साइकिल चलाने के 1 महीने बाद गाड़ी चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे, वक्त लगेगा। इसी तरह जब आप किसी कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको वक्त लगता है ग्रिप लेने में, पेस बनाने में और एक्सपर्ट बनने में। एकदम से एक्सपेक्ट मत करिए कि आप बहुत ज्यादा आइंस्टाइन बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। और जितनी एक्सपेक्टेशंस खुद से कम रखेंगे उतना खुश रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपको पता रहेगा कि नहीं अभी स्कोप है, अभी मुझे और मेहनत करनी है। हम खुद से एक्सपेक्ट कब करते हैं, अरे ये हो गया, मैंने इतना कर दिया, अब क्यों नहीं आ रहा। पर अगर आपको ये पता है यार मैंने अभी पूरा करा ही नहीं है, ये तो ये भी रह रहा है, ये भी मुझे करना है, तो आप खुद को नहीं करेंगे चैलेंज। वो ही जरूरी होता है, क्योंकि वो अभी चैलेंज करने का सही टाइम नहीं होता है। बात समझ में आई सभी को मेरी? ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये समझना होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर आपको क्लासेस समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो पहले बेसिक की क्लासेस में जाइए। ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, आपको हम रिकॉर्डेड भी देते हैं, आप तभी भी सुन सकते हो, क्या फायदा हो? फिर आप बोलोगे मैम ये तो मुझे रिकॉर्डेड सुननी पड़ेंगी, क्या अभी कुछ समझ में आ रहा है क्लास में बैठ के बताओ? और अगर क्लास में बैठ के कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इससे अच्छा उस क्लास में बैठो जिसमें समझ में आ जाए। क्लास में ही बैठना है तो उस क्लास में बैठो जिसमें समझ में आ जाए। पहले बेसिक की क्लासेस लो, पढ़ो, समझो, अपना बेसिक क्लियर करो, अपना वीक और स्ट्रांग अलग करो, उस पे वर्क करो। वो 1 महीना आपका अपना है, वो 1.5 महीना आपका अपना है, आप अपनी कमजोरियों को, अपनी चीजों को ठीक करने के लिए उसको यूज करिए। और जब आपका बेसिक बिल्कुल फिट फटैंग हो जाए फिर आगे इनडेप्थ पढ़ाई के लिए बैठ जाइए। इससे दो चीजें होंगी, बर्डन फील नहीं करोगे, रीजन समझ में आएगा और आप मेहनत करने के लिए भी तैयार रहोगे। और अगर आपने अभी अभी एग्जाम दिया है तो खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन बाहर फैमिली के साथ घूमिए, रिलैक्स फील करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि आप फिजिकली फिट हो। जो फिजिकली फिट होगा वो मेंटली फिट होता है, हमेशा याद रखिए। तो आपको खुद को फिट बनाना है, अच्छा फील करना है, और ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो मेरा पढ़ा, अगर पढ़ा हुआ होता और इतना अच्छा होता तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो रही होती, यानी कहीं ना कहीं कमी है। तो देखिए कि आप क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, अभी से रिविजन शुरू करिए, PYQ शुरू करिए, राइट। पर आप रुकना चाहते हैं या चलना चाहते हैं ये लास्ट डिसीजन मैं आप पर छोड़ती हूँ, मैं कन्विंस नहीं करूंगी, क्योंकि आप जबरदस्ती कभी किसी से कोई काम नहीं कराना चाह सकते, कभी नहीं करा सकते। तो ये आपके ऊपर है, आपका मनी, आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपका फ्यूचर सब आप ही के हाथ में है। आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करके कुछ फ्रूटफुल चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि अरे यार मैंने ट्राई करा तो हुआ नहीं, या मैं कितना ही करूंगी या करूंगा हो ही नहीं रहा है, ये सब बोल के रुक जाना चाहते हैं, आपके ऊपर है, राइट। तो डिसाइड करिएगा और मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या आप रेडी हैं एक स्टार्ट देने के लिए। इसी के साथ मैं आप सबसे टाटा कहूंगी, थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे।